एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए, मैं अपने मिर्च का प्लांट आपको दिखा रही हूँ, जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, रिपोर्ट करने वाला ये प्लांट है। कटाई वटाई कर दी थी मैंने इसके बाद, और अभी तक ये स्टे है। और ये है हमारा एक बोगनविलिया का प्लांट, जिसमें ये वाला प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गया था और बहुत सारे इसमें बड़ बनी हुई हैं, फ्लावर भी आ रहे हैं और मिर्च भी है। एक यहाँ पर है, अगर आपको दिख गई हो तो ये रही, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा हार सिंगार का प्लांट है, बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और कोई मुझे ये बताओ, ये क्या इसके सीड, अगर आपको पता हो जिसके पास ये हो ये प्लांट, तो कोई मुझे बताओ क्या ये इसके सीड है, क्योंकि इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग होकर झड़ चुकी है और अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत जल्दी रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इसे रिपोर्ट करना है। इसका प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मुझे इससे बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करना है। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बर्ड बनी हुई है रोज़ के प्लांट में, आप देख सकते हो। अच्छा, किस किस के पास नींबू का प्लांट है बताओ मुझे। मेरा नींबू का प्लांट यहाँ पीछे रखा है, एक ही प्लांट है और बहुत धीरे बढ़ता है ये, ठीक है। तो किस किस के पास है मुझे कमेंट करना। इसके बाद मैं आप सबके साथ ना इसका जो है प्लांट का क्या क्या करना चाहिए वो सब मैं शेयर करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक ही नहीं है भैया, ये रहा एक और है, ये देखो नींबू का प्लांट ग्रो नहीं किए हैं कुछ, तो मैं सीड डाल देती हूँ, कुछ ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके अपराजिता में भी फ्लावरिंग हो रही है क्या अभी तक, बताओ कमेंट करके। मेरे में तो हो रही है। और अब जैसे इसका सीज़न जा चुका है ना, तो कुछ पेट्स अटैक हो रहा है इसमें, मैं सोच रही हूँ कि लगा रहने दूँ, क्योंकि बहुत जल्दी अब सीज़न चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी कैरोटिप्स जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर एक ये दूसरा प्लांट है मिर्च का, ये देखो छोटू छोटू सी मिर्च है और बड़ी तीखी वाली मिर्च है ये, ठीक है। और मतलब एक ही खा के आपकी नानी याद आ जाएगी। देखो, मैंने सीड के लिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इसको फिर से ग्रो करूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, चलो चलते हैं एक्सपेरिमेंट के पास। ये देखो, ये मेरा बड़ा सारा कंटेनर है जिसको मैंने खाली कर दिया है। ये मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में खाली हुआ, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पपाया का प्लांट था, वो था इसमें। और अब हमने इसको खाली कर दिया है, इसमें से जो खाद वगैरह निकला है वो मैंने यहाँ भर कर रखा है, कुछ यहाँ पर सूख रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इसमें खाद था तो हमें निकालना ही था और इसको दोबारा से फिल करना है। तो अब एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, देखो ये वाला पहले ये देख लो, अरवी के पत्ते आपके गार्डन में भी आ रहे हैं क्या अभी अभी, बताओ कोई कमेंट करके किस किस के यहाँ आ रहा है। मेरे मम्मी के गार्डन में तो आ रहे हैं, मम्मी ने बोला मुझे कि मेरे तो आ रहे हैं अरवी के पत्ते और चल रहा है अभी उन पे, तो मैंने बोला ठीक है चलने दो। अब ये देखो, ये है हमारा प्लांट जिसका एक्सपेरिमेंट हम आज करने वाले हैं। हालांकि इसको यहाँ से निकालते ही हो जाएगा झगड़ा हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड ने इस पे बड़ी सी मेहनत कर दी है, बड़ा सा डंडा ठोक दिया और बांध दिया ऊपर तक। लेकिन मुझे ये ना, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी नहीं तो मैं इसको दोबारा से फिल कैसे करूँगी। तो यही इसका आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि इतने बड़े प्लांट को, बहुत बड़ा है ये, ठीक है, इतने बड़े प्लांट को अगर मैं इस तरह के छोटू से कंटेनर में शिफ्ट करती हूँ, क्या ये सर्वाइव करेगा, वही देखना है मुझे। तो इसी की मिट्टी में खाद जो है ये, इसी खाद में थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करूँगी, फंगी पाउडर, ये सब मिक्स करके इसमें फिल करके और इसमें लगाकर आपको दिखाती हूँ, और इसकी क्या क्या केयर करती हूँ मैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये लो जी, हमने मिट्टी जो है वो रेडी कर ली है और बॉटम होल को हमने कवर कर लिया है एक छोटे से पत्थर से। और ये देखो, प्लांट भी हमने निकाल लिया है, रूट देख लो, वाओ क्या बड़ी सी रूट है इसकी, ये देखो जी। और इस डंडे सही थी, मैं इसको इसमें लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथ से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि डंडा बड़ा लंबा सारा है। तो मैं इसको लगा कर इस तरह से और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये जो मिट्टी यहाँ पर ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, वो मैं इसमें फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से फिल कर दिया है मिट्टी से, और जितनी भी रूट थी वो सब मिट्टी के अंदर ही चली गई है। और मैंने इस पॉट को उठाकर अच्छी तरीके से हिला दिया है। अब मैंने देखना ये है कि क्या ये प्लांट इस पॉट में सर्वाइव करता है। केयर टिप्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसको पूरे सन जो है उसमें वहाँ रखती हूँ, ऐसी जगह रखती हूँ कि इसको धूप अच्छी तरीके से मिले। वाटरिंग मैं तब करती हूँ जब इसके ऊपर की मिट्टी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। रोज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है अभी विंटर में, लेकिन गर्मियों में रोज़ वाटरिंग करती थी, इस पर कोई भी पेट्स अटैक नहीं होता है। और बस ये लंबा 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 बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि बड़े आराम से बढ़ता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो मुझे एक्सपेरिमेंट यही करके देखना है, क्या ये इसमें सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। इन फ्यूचर मैं इसको बड़ा पॉट दूँगी, अभी
तो मुझे, क्योंकि ये पॉट खाली करना था जहाँ से मैंने इसे निकाला, तो इसी वजह से मैंने इसमें लगाया है। एक से डेढ़ महीने के बाद जैसे ही हमारा सीज़न चेंज हो जाएगा तब मैं इसे बड़ा पॉट दूंगी और ये देखूंगी कि क्या ये बच पाएगा। अभी जैसे कि मैंने रिपोर्ट किया है, खाद की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें महीने में पॉट के अकॉर्डिंग, पहले तो ये बड़ा पॉट में था जैसे कि अभी ये इसमें लगा है, तो मैं महीने में सिर्फ एक बार इसको एक चम्मच अपना दूंगी नीम की खली, सरसों की खली, एक चुटकी फंगी पाउडर डाल दूंगी और एक चम्मच ही उसमें डालूंगी अपना गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट। गुड़ाई करके डाल देना है, गुड़ाई आप हमेशा किया करो, उससे जो हवा का इरिगेशन होता है या फिर हवा अंदर तक जाती है, रूट को अच्छे से सांस लेने की जगह मिल जाती है। ये है इसकी कैरोटिप्स। पैट्स की अगर मैं बात करूं तो कोई पैट्स अटैक इस पर बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है और ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। सच बताऊं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे डेढ़ दो महीने से भी ज़्यादा हो जाता है इसमें खाद वगैरह डाले हुए, गुड़ाई तो मैं अक्सर कर ही देती हूँ। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करो। यहाँ तक कि आप इसको अगर किसी कोने में रख दोगे ना तो उस कोने की भी ये ब्यूटी बहुत ही बढ़ाने वाला है। तो मैं भी इसमें वाटरिंग कर देती हूँ और आप भी वाटरिंग कर दिया करो जब भी आपके पॉट की मिट्टी ऐसी लगे कि सूख गई है। मिट्टी बहुत अच्छी बनाओगे ना तो पानी सारा का सारा नीचे चला जाएगा और किसी भी पॉट में कोई भी प्लांट जब भी लगाते हो उसके बॉटम में होल ज़रूर बनाया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर